very good morning from me and my team here at Red. पसीने छूट गए हैं. Hi guys, मैं दो हफ्तों बाद काम पर आई हूँ. You know, chill sabbatical वाला vacation था थोड़ा सा, लेकिन that's not the reason why all this is बन रहा है. मैं holiday लेके आती हूँ तो सब ऐसे होते हैं मैं holiday पे जाके ही. But the reason this is here is, guys, you want to tell them why? एक कैमरा नीचे ले. India has won and Red FM Mumbai has won so many beautiful awards over the past 2 weeks. कि आपको बताना जरूरी था. ASF के ये सारे awards, Golden Mic के ये सारे awards. मैं इनमें से कुछ आपको बजाकर सुनाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो. So somebody pull out the most important award that we won. या फिर इसके चार awards जीते हैं हमने. ये गाना पिछले साल काफी पॉपुलर हुआ था, आप भूल नहीं सकते इसको. मुंबई ट्रेन झाली स्लो स्लो, ट्रेन चा शेड्यूल कसा झोल झोल, मुंबई तू माझा सॉन्ग गोड बोल. ये गाना तो आप सबको याद होगा ही. इस कैंपेन का नाम था मुंबई खड्डे में. समवन प्लीज पिक आउट द फोर अवार्ड्स दैट वी वन फॉर मुंबई खड्डे में. ऑलराइट, दैट्स दिस वन बेस्ट पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव बाय ब्रॉडकास्टर सोनू पॉटहोल मेक्स. Best use of radio in an integrated media plan. Mumbai Khadde mein plan ka naam tha. And we won a gold there. Most effective ad campaign on radio, Mumbai Khadde mein. And creativity best campaign, Mumbai Khadde mein. Red FM. बताया कि ये कितना टफ अवार्ड होता है और जनरली मतलब इतनी आसानी से मिलता नहीं. आई डोंट थिंक देयर वाज एनीवन एल्स इन दैट कैटेगरी. नहीं, हिम्मत नहीं है इसका, हिम्मत नहीं है. या या, सो एंड अनदर वन आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू इज मुंबई में अगर आप है तो आपने ये गाना जरूर सुना होगा. इट साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव क्योंकि कौन बोलता है अपने रेडियो जॉकी के बारे में कि उसको मत सुन. We won that this one for this most unique programming concept or ideas, like Woo! I said. हमारे रेडियो जॉकी को मत सुनो. लोग मुझसे पूछ के बोलने लगे, भैया बीएमसी ने लगाया क्या ये होल्डिंग. I swear, people ask me. All right, then one of my favorite awards, of course, this one has to be it. कहाँ गया the most? अरे ये रहा. This one is one of our most favorites. और इसीलिए इतनी सारी भीड़. ये पूरी रेड एफएम नहीं है, लेकिन जब उनको पता चलेगा मंडे मॉर्निंग है, सो वर्ल्ड चलेगा हॉट ऑन दैट वन. दिस वन इज आवर फेवरेट अवार्ड, द गोल्डन माइक्स 2018 एक्सीलेंस रेडियो स्टेशन ऑफ द ईयर. Not the first time, but the Golden Mics Award are very, very prestigious awards. So we are very, very happy to win this. Thank you so much for being with us, for being part of this. एक मिनट, एक और है, एक और है. अरे ये तो मेन है, ये वाला. आरजे ऑफ द ईयर, आरजे. उन्होंने स्टूडियो को ऐसे सजाया था, तो थैंक यू वेरी मच. जी अपने को इतने सारे अवार्ड्स मिले. हाँ. सब इतने खुश है. हुँ. पर हमारे डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है हमारे ऑफिस में, वो बिल्कुल खुश है. आज पिंक शर्ट में आया है गुलाबी. क्या हुआ? अरे यार इतने सारे अवार्ड. ये सब डेकोरेशन सुबह 6 बजे करना पड़ता है यार, इतने अवार्ड क्यों लाते हो तुम? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, इस बलून में जो हवा भरी गई है वो दलवी का लंग्स है. लंग्स क्यों बोल रही है? मतलब इनके कणों और तहों से निकला हुआ है. थैंक यू वेरी मच. जब से मैं आई हूँ तब से सुबह से इनका एक ही प्लान है, इट्स लाइक अ होली बट विदाउट कलर. क्योंकि उन्होंने कहा था कि मलिष्का तू इतने अवार्ड जीतेगी तो क्या होगा, तुम्हें नजर लगेगी. व्हाट इज दैट नजर वाला. और इस सबके बीच में जिया एक शायरी पेश करेंगे.
किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल बोल के मैं तो थक जाती हूँ। अवार्ड्स आते हैं, काउंटिंग ही भूल आती है। इस बार जो तूने मुंबई बोल के अखी दुनिया को जगाया था, अरे माँ कसम रेडियो का पावर तब सबको समझ में आया। अच्छा आप इधर ध्यान दो, न कोई है न कोई था न कोई होगा, हर अवार्ड होगा बस इसका। सब मिलकर बोलो जय हो, जय हो। मर्द बिना माता बनाने का काम सिर्फ जिया का हो सकता है। तुमने मुझे काला टीका लगाया क्या? लगाया ये हमको भी लगाने का है, हमको भी, हम सबको लगाने का है। अरे सबका मैं काजल आई हूँ, बिकॉज एक का काजल, एक का टीका लगाना काफी नहीं है, बहुत नजर लग जाती है, इसलिए चलो भाई सब। गाइस थैंक यू वेरी मच, इसी तरह रेड एफएम 93.5 को सुनते रहिएगा, एंड वी लव यू गाइस। जीता करो नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। अरे कितने दम है मोच दे। Red FM 93.5.